हेलो पापा, कहाँ रात में इतना टेंशन में? इतना टेंशन 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 बाबा का हाथ में आ गई, जल्दी निकल जा, निकल से निकल जा, तो हम लोग हाथ का देना जा, इसे छोड़ दे भाई, रख ला, और रख ला, देख हम के यार कहा था। मम्मी कहा है? चलो 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 चलो, हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हम लोग जा रहे हैं रामेश्वरम। मुंह कितना बड़ा लग रहा है। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट इतना खाली मैंने देखा ही नहीं कभी। हम लोग गलत लाइन में घुस गए थे। ये लोग ऑलरेडी घबरा घबरा के पता नहीं क्या कर रहे हैं। गिरा हुआ तो कल समझवा हाथ में मोबाइल है, चार को आई कार्ड हो। क्या ये क्या ये पी लेना, बोतल वाला रख ले, कुछ भी नहीं लग रहा है। हां और दूसरा भी है, नीचे भी जाती है तो वो अलग होगा। वो जब हम लोग बनारस जाते हैं या लखनऊ जाते हैं तो क्या चाहिए? यहाँ जो भी आएगा उसको टायर आर्ट वाले अपने हाथों से नहलाएगी। सब सब सफेद सफेद है। तू भी आया? तू भी आया? मैं भी वाइट। हाँ, अब्बास मस्त लग रहे। जिंदगी में कभी किताब उठा के ना पढ़ लूँ अखबार पढ़े तू फेक वाले। ओके पल्लू जी, बताइए क्या क्या लग रहा है। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट। पापा की वजह से डेढ़ घंटा दो घंटा पहले एयरपोर्ट एकदम खाली है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉफी लेने, क्योंकि हम लोग घर से निकल आए, कुछ खाए नहीं थे। बाप वाली फीलिंग लेते। अरे मैंने कल ही रील देखा था कि जाने से तीन घंटा पहले ही चलो 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 चलो। हम लोग आए हैं कॉफी लेने। कॉफी कॉफी पापा का गिफ्ट खरीदा मैंने। मैंने पापा के लिए एयरपोर्ट से बेल्ट उठाया था, और वो बेल्ट इतना बड़ा मैंने खरीद लिया था कि उनमें एकदम ऐसे ढीला हो रहा था, बहुत बड़ा सा हो रहा था। तो सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे यहाँ पे कि खरीदने से पहले एक बार पूछ तो लेती, लेकिन अगर मैं खरीदने से पहले एक बार पूछ लेती तो गिफ्ट कैसे हो सकता था, तो सरप्राइज कैसे हो सकता था। सब मिला के मैंने मेरा पोपट तो करा लिया, पर अपने आप को जस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। सब्वे तो रोए ना पल्लू, छूट का माल से। अरे सब्वे रोज हुए खाने में मुझे, अब आई जो आके हुए खाने। सैलेड भी, ब्लैक कॉफी भी हुई। सैलेड मिलने बहुत अच्छा दिल रहे होगा। नाइस कॉफी। चल ना, चल चल चल। फोटो ना किससे? पल्लू, ये बनारस एयरपोर्ट जैसा नहीं है? एकदम सेम नहीं है? जैसे यहाँ से उतरो यहाँ पे से बेल्ट। हाँ, बेल्ट ये थोड़ा पास में है, उसका थोड़ा चलना पड़ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई। अरे अरे अरे, अब्बास मस्तान और गुलजार साहब पहुंच चुके हैं। हम तीनों वाइट लाइट में। गुलजार साहब कहां गए? चल चल गुलजार जी, अभी चलत ना होइजा पाए तेरे। हम लोगों के लिए स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत के लिए। हां हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई। वहां भी ऐसे निकल गए ना, ऐसे पार गए, लेकिन उसके
कितना मोटा मोटा पानी का बोतल है। हम लोग निकल चुके हैं कहाँ के लिए, पांडिचेरी नहीं रामेश्वरम के लिए, जो कि यहाँ से कुछ 3.5 घंटा है। तो अभी हम लोग निकले हैं ऑलमोस्ट 8 बजे करीब हम लोग पहुँचेंगे, और बीच में हम एक जगह से रुकेंगे चाय पीने के लिए, क्योंकि लंच हमने प्रॉपर किया नहीं था, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हम लोग लग गया भूख, गिरा मत गिरा मत मम्मी, कहाँ गिरा बच्चे, हर बोले की बीमारी हो गई। हम लोग रुके हैं बीच में चाय पीने के लिए, अभी भी 1.5 घंटा दूर जाना है हमें। உருட்டி எடுங்க, உருட்டி ஒரு கப்பல எடுங்க, हम लोग रुके हैं यहाँ पे, चाय पॉइंट है, बहुत ही सही है। देखिए बहुत करेड़ा टूट गया सही, बहुत कड़क हो जा, दो भुक्खड़ लोग खाने में लगे हुए हैं, और ही लेबू खाई बू आपके सर में आके ना बरसा नहीं जाता, एक तो कुछ नहीं है, मत खाइए। हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, मेरा फोन डेड हो गया था तो मैंने व्लॉग नहीं किया, रूम टूर नहीं दिया। ये है पल्लव सिंह हमारे पीछे, लाइट नहीं है, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, फिर मैं आके रूम टूर देती हूँ। बाय द वे ये होटल है दी प्रेसिडेंसी टावर समथिंग। सो फार रिव्यू वाइज ये होटल ठीक था, सबसे अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं, हमने 2 कमरे लिए हैं, दोनों में ट्विन बेड मिला है बाय द वे, एक में मेरा पल्लव है एक में मम्मी पापा है। यस, कल सुबह हम लोग जाएंगे और आज रात को पापा का बर्थडे है, एंड पापा हो जाएंगे 56 कंप्लीट करके 57 में एंटर होंगे। 20 मिनट के बजाय अगर वो 25 मिनट देता, 22 मिनट देता, एक दूसरे बोझ कर देता, वो बेटर काम करता। हम चेन्नई में रोने लगे थे, रोते थे नहीं, ये नारियल है। और ये होटल की लॉबी, रिसेप्शन एरिया और डाइनिंग एरिया भी मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, मतलब रिसेप्शन के जस्ट बगल में डाइनिंग था, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज यहाँ पे लोग खाना खाने भी बहुत आते हैं बाहर से, पता नहीं मैंने ऐसा कभी देखा नहीं था रिसेप्शन के जस्ट बगल में डाइनिंग, बट ठीक है जो भी था। और खाना खाने के बाद हम लोग वॉक करने आए थे, और यहाँ पे एक बड़ा सा पूल था जहाँ पे हमने स्विमिंग के लिए भी गए थे अगले दिन, और हमने थोड़ा सा वॉक किया क्योंकि कल हमारा दिन जल्दी शुरू होने वाला है। कल हम जा रहे हैं रामेश्वरम टेम्पल विजिट करने के लिए। हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि सुबह क्या पहनना है, पल्लू के पास है गमछी, सॉरी धोती, और धोती ये इतना स्टाइलिश है, इसमें ये लगा हुआ है वेलक्रो तो ये चिपक जाएगा। ओफ, इसमें जेब भी है, अरे कितना सही है यार ये, हाँ ये वेलक्रो से चिपक जाएगा, मॉडर्न लोग के लिए मॉडर्न व्यवस्था। हेलो एवरीवन, आईरोनिक टाइम ऑफ माय लाइफ, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं बाथरूम में लॉक हो जाती हूँ,
इस बार भी लॉक हो गई हो। अभी इससे पहले 10 मिनट पहले लॉक हुआ था तो मैं निकल ही नहीं पाई, बहुत मुश्किल से निकली। और इस बार पल्लव है, वो बेचारा कोशिश कर रहा है पर पुश नहीं हो रहा है डोर। नहीं नहीं किसी को बुलाना पड़ेगा। सो बाथरूम में लॉक होना मेरा स्पेशल, क्या बोलते हैं, मैं इसमें मास्टर हूँ। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, मतलब कई बार हुआ। एक बार मैं शूट पे गई थी गुजरात, वहाँ पे एक हम लोग पैलेस में शूट कर रहे थे और उस पैलेस के अंदर बाहर एक आउटसाइड रूम था, उस रूम के अंदर एक बाथरूम था और मैं कभी नहीं जाती थी। उस दिन पता नहीं क्यों मैं उस बाथरूम को यूज करने चली गई और मैं उसके अंदर लॉक हो गई। उस कमरे में कोई नहीं था, मतलब बाथरूम के बाहर जो रूम था वहां कोई नहीं था जो मुझे से निकाल पाया। मैं कब से चिल्ला रही हूँ आधे घंटे से, और मुझे 45 मिनट बाद किसी ने मेरी आवाज सुनी, बहुत जोर जोर से पीट रही थी, फिर आगे बोला मुझे निकाले। मैं एक बार अपने ही घर में अपने ही कमरे में लॉक हो गई थी, उस टाइम मैं 3 घंटे अंदर थी और मैं चाबी वाले को बुलाया गया, फिर उसने ताला तोड़ा, फिर मैं बाहर निकली और अभी वापस लॉक हो गई हूँ इस होटल के बाथरूम। पल्लव कहाँ है गया? पल्लव कब से कोशिश कर रहा है उसको निकालने की, पुश भी हो रहा है। अच्छा मेरे पास फोन था तो मैंने सोचा व्लॉग ही बना लूं, कुछ नहीं था। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज रामेश्वरम व्लॉग। मैंने इसका ना बिगिनिंग शूट किया है, एंडिंग का तो कर ही लूंगी, लेट्स सी। और तो हाँ, हम लोग आज आए हैं रामेश्वरम एक्चुअली सिटी में, और मैं इस वक्त बाथरूम में लॉक हूँ। पल्लव कॉल कर रहा है नीचे रिसेप्शन पे ताकि ये डोर वो लोग खोल पाए। और पापा का बर्थडे है ब्रिंगिंग, तो उसका भी 11:40 पे मैंने केक तो नहीं था इनके होटल में, एक कुछ तो खा, कुछ तो पेस्ट्री जैसी कोई चीज थी वो मैंने ऑर्डर किया है। सो 11:40 पे ऊपर आने वाला था और मुझे से लग रहा है कि वो पेस्ट्री वेस्ट्री का पता नहीं, पर दरवाजा खोलने के लिए वो आएगा ऊपर और इसी में उनका बर्थडे ना हो जाए, सारा सरप्राइज मेरे लॉक होने से खराब ना हो जाए। सो व्लॉग भी बने रहिए, लेट्स सी क्या होता है। It's not locked, it just push नहीं हो रहा है वो। अरे 331 बोला था मैंने। Happy birthday, वो कैंडल नहीं लाई। अरे तो क्या पता अभी क्या भी रहा, हम बाथरूम में लॉक हो गई रहनी है। लॉक करके चेक कर रहे थे खुली है, जैसे ही खोली तो भाई हमें हटा दिया, लोग तोड़ना ना देखियो। मम्मी सूत गई, ले केक ना रहनी के पास बारह बजे अभी। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जी बदरा उठा प्रेम कार हम पर बरसा होए, हर्षीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई।